नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार टुटोल वेबसाइट डॉट कॉम में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों आप देख रहे हैं नोड जेएस की सीरीज, जिसमें हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि कैसे हम डाटा अपडेट करते हैं और डिलीट करते हैं। हमारा जो भी रिकॉर्ड है इस टेबल से इन डाटा को अपडेट और डिलीट करने के बारे में देखा था। दोस्तों आज की वीडियो में मैं कुछ ज़्यादा अधिक नहीं, मतलब स्पेशल चीज़ नहीं बता रहा हूँ। आज की वीडियो में जैसा कि पिछले दो वीडियो या तीन वीडियो जो हमने बनाया था इंसर्ट डिलीट अपडेट की, उसमें एक पॉइंट रह गया था। जैसे कि जैसे ही आप डाटा अपडेट कर रहे हैं यहाँ से, तो यहाँ पे कोई सक्सेस मैसेज नहीं आ रहा कि डाटा अपडेट हुआ कि नहीं हुआ। अगर आप डाटा यहाँ से इंसर्ट कर रहे हैं तो सक्सेस मैसेज यहाँ डिस्प्ले नहीं हो रहा है कि डाटा इंसर्ट हुआ है, डिलीट करने पे डाटा डिलीट हुआ, ये मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो इस वीडियो में यही देखेंगे कि कैसे हम इंसर्ट अपडेट और डिलीट पे सक्सेस मैसेज यहाँ पे मतलब आपको डिस्प्ले करा सकें, ठीक है, कि डाटा इंसर्ट हुआ है या नहीं हुआ है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप जाइए youtube.com/tutorial वेबसाइट और वहाँ पे जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप हमारे वीडियो को हमारे ब्लॉग से देखना चाहते हैं तो आप tutorialwebsite.com पे जा सकते हैं। यहाँ पे आपको Node.js की, Shopify की, WordPress की सारे वीडियोज यहाँ पे मिल जाएंगे। Node.js के लिए Node.js पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस Node.js पे, आपको यहाँ पे Node.js का एक पेज ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर आपको सारे के सारे अब तक के जितने भी वीडियो हैं वो आपको लोड मोर करके आप सारे वीडियो देख सकते हैं। आप चाहें तो फेसबुक पे भी देख सकते हैं। इसके लिए आप facebook.com/tutorial वेबसाइट पे जाना होगा आपको। जैसे आप यहाँ पे आएंगे, आने के बाद आपको यहाँ पे YouTube का एक ऑप्शन मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे मेन्यू में YouTube का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे मेन्यू में तो यहाँ पे YouTube के जितने भी वीडियोज हैं वो सारे वीडियोज आपको, लेटेस्ट जितने भी वीडियोज हैं वो सारे आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। आप डायरेक्टली यहाँ से भी इसे रीड कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको YouTube पे जाने की ज़रूरत नहीं है, YouTube के बिना भी आप हमारा वीडियो चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं अलर्ट बॉक्स के या फिर मैसेज सक्सेस बॉक्स कैसे शो कराएंगे मैसेज, इसके बारे में इस वीडियो में देखते हैं हम। दोस्तों जैसा कि सबसे पहले यहाँ पे हम डाटा इंसर्ट करा रहे थे, तो सबसे पहले मैं आपको कोड पे ले चलता हूँ। ये कोड था हमारा डाटा इंसर्ट कराने का। ये देखिए यहाँ पे हमने राउट बनाया था पोस्ट मेथड के थ्रू मेन डायरेक्टरी पे, मतलब मेन रूट पे, और यहाँ पे सेम मेथड यूज हुए थे। सेम मेथड में आप देखिए यहाँ पे इंडेक्स हुआ था और रिकॉर्ड में टाइटल में जा रहा था कि एम्प्लॉय रिकॉर्ड, और यहाँ रिकॉर्ड जा रहा था डाटा के अंदर, जो कि इंसर्ट होने के बाद ये डाटा को ऑटोमेटिक जैसे नया डाटा होता है यहाँ पे वो डिस्प्ले करा देता है हैंड टू हैंड, यानी कि बार दोबारा से रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसी में हम एक चीज़ बढ़ा देते हैं, एक और पैरामीटर या कहिए कि ऑब्जेक्ट बढ़ा देते हैं जेसन में, वो होता है सक्सेस का, SUCCE सक्सेस का हम एक बना लेते हैं, SUCCE सक्सेस, जिसके अंदर हम मैसेज पास करेंगे कि डाटा या रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली, ठीक है। जैसे करेंगे और सेव करेंगे इसको, लेकिन जैसे सेव करेंगे तो अभी भी ये मैसेज नहीं आएगा। अगर आप कोई डाटा इंसर्ट कराते हैं, मान के चलिए मैं कोई डाटा इंसर्ट कराता हूँ, ठीक है, कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है, सबमिट करता हूँ। तो ये देखिए डाटा तो सबमिट हो गया, बट यहाँ अभी भी मैसेज कुछ नहीं आया, जबकि हमने यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन कर दिए हैं, मतलब यहाँ पे एक वेरिएबल में वैल्यू डिफाइन कर दिया सक्सेस की। तो भी उसके लिए क्या करना होगा, आपको जाना होगा मेन पेज पे, जो इंडेक्स पेज हमारा है, जो कि ये पेज है जहाँ पे ये सारा डाटा डिस्प्ले हो रहा है, इसके ऊपर जहाँ पे ये फिल्टर वाला ऑप्शन है, ये देखिए फिल्टर रिकॉर्ड का, इसके ऊपर हमें एक सक्सेस के लिए जो है वैल्यू है उसको गेट करके यहाँ पे डिस्प्ले कराना होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, बूटस्ट्रैप की जो अलर्ट बॉक्स होते हैं वो कोड उठा लेता हूँ। तो इसको बूटस्ट्रैप टाइप करेंगे गूगल में, सक्सेस या मैसेज बॉक्स या अलर्ट बॉक्स, इसको सीधे ऐसे कहते हैं अलर्ट बॉक्स, अलर्ट सक्सेस बूटस्ट्रैप अलर्ट। अब जानेंगे तो यहाँ पे आ गया, तो ये देखिए अलर्ट सक्सेस मैसेज का है, तो हमको ये उठाना है सक्सेस वाला, कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद हम जाएंगे अपने और यहाँ पे पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद इसको हटाते हैं, सक्सेस रखते हैं, यहाँ पे हम चेंज करेंगे। यहाँ पे हमें क्या करना है, ये लगाना है इस तरीके से, ये हो गया, और यहाँ पे लिखेंगे SUCCE सक्सेस, सेव करेंगे। तो अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे एरर आएगा। एरर क्यों आया, इसमें क्या बता रहा है, एरर बता रहा है कि जो आपने सक्सेस लिखा है कौन से लाइन पे, ये देखिए 16 लाइन पे, मतलब 16 लाइन पे, यानी कि हमारा जो कोड की सबसे ये 16 लाइन है, 16 लाइन पे आपने जो लिखा है वो सक्सेस इज नॉट डिफाइंड, डिफाइन नहीं किया हुआ है। मीन्स कि जो मेन डायरेक्टरी है
मतलब गेट मेथड के, अभी जो हमने डिफाइन किया सक्सेस जो पोस्ट मेथड पे किया है, ये देखिए ये जो सक्सेस हमने डिफाइन किया है ये कौन सा मेथड पे है, ये पोस्ट मेथड मतलब फॉर्म सबमिट होने पे। लेकिन ये जो गेट मेथड है बाय डिफॉल्ट जो लोड हो रहा है उसमें हमने सक्सेस नाम का कोई भी पास नहीं किया है, तो इसको भी पास करते हैं SUCCESS सक्सेस और इसको लिखते हैं ब्लैंक, इसमें कोई वैल्यू नहीं देंगे, इसको ब्लैंक रखेंगे। और अब अगर रिफ्रेश करेंगे तो ये एरर हट जाएगा, बट ये देखिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये वैल्यू शो हो रही है, चाहे आप डाटा इंसर्ट करिए या ना करिए। तो इसके लिए यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे, कंडीशन क्या होगा कि जब डाटा सबमिट होगा यानी कि फॉर्म सबमिट होगा तभी ये यहाँ पे डिस्प्ले होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो उसके लिए हम चलते हैं इंडेक्स जेएस पे और ये जो हमारा कोड है इसके ऊपर लगाते हैं कंडीशन। तो उसके लिए ये लिखेंगे, उसके बाद इसमें लिखेंगे इफ सक्सेस SUCCESS सक्सेस इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक, क्योंकि हमने आपको याद है इस वाले पे यहाँ पे ब्लैंक दिया है हमने, ठीक है। तो ये चेक करेंगे, अगर ये ब्लैंक नहीं है तभी आगे प्रोसेस होगा, तब क्या होगा कि ये मैसेज डिस्प्ले होगा, अदरवाइज डिस्प्ले नहीं होगा। तो उस कंडीशन में फिर ये करेंगे, ये हुआ, ये सेव हुआ, अब सेव किया और हमने एक बार फिर से यहाँ से सेव कर लेना है। अब आप रिफ्रेश करेंगे तो ये हट जाएगा, अब ये नहीं आएगा, ये देखिए ये मैसेज आएगा। लेकिन अब डाटा इंसर्ट करेंगे तो ज़रूर आएगा। मान लीजिए मैं एक डाटा इंसर्ट करता हूँ इसके अंदर, मान लीजिए लिखता हूँ सनोज, ठीक है, सनोज @gmail.com, अब यहाँ पे आवरली इसको फिक्स कर लेते हैं, छोड़ो आवरली को फिक्स कर देते हैं, इसी को एडिट करेंगे ना, एडिट करते समय इसको चेंज कर देंगे, आवरली रेट 20 का और हमने टोटल आवर 14। अब सबमिट करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे आ गया सक्सेस, रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली, आपको मैसेज भी डिस्प्ले हो गया और यहाँ पे डाटा भी आ गया। अब रिफ्रेश करेंगे तो ये दोबारा से इंसर्ट हो जाएगा, तो रिफ्रेश ऐसे नहीं, ऐसे करने हैं आपको, तो ये देखिए चला गया। अब अपडेट की बात करें, इसको अपडेट करते हैं, अपडेट करेंगे तो मैसेज नहीं आएगा, ये हुआ सबमिट किए कोई मैसेज नहीं आया अपडेट करने पे। तो चलिए अपडेट करने वाले पे ही मैसेज हम पास करते हैं, तो अपडेट करने वाला जो हमारा है वो है रूट, ये डिलीट का एडिट का, ये रहा अपडेट का रूट, ठीक है। अपडेट करने में हम अभी तक क्या कर रहे थे, रीडायरेक्ट करा रहे थे बेस रूट पे, सीधे रीडायरेक्ट करा रहे थे ना कि रेंडर कर रहे थे। तो अगर मैसेज डिस्प्ले कराना है तो आपको डाटा को रेंडर करना होगा, और डाटा को रेंडर करने के लिए आपको क्या करना होगा, जो सेव वाला फंक्शन के अंदर हमने कोड लिखा हुआ ये employee.execute से लेके यहाँ तक, ये कोड को कॉपी करना है आपको और वापस जाना है, और यहाँ पे जो है रिस्पॉन्स डॉट इसको हटाना है, इसकी जगह उसको पेस्ट करना है, रिप्लेस करना है, और यहाँ पे लिखना है रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, सेव करना है। सेव करने के बाद फिर जाएंगे रिफ्रेश करेंगे पेज को, एडिट पे जाएंगे, अब यहाँ पे आवरली कर दिया हमने, इसको 20 है, 20 इसको 50 करते हैं, सबमिट किया तो ये देखिए मैसेज आ गया सक्सेस, रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, और यहाँ पे डाटा भी अपडेट हो गया सारा का सारा जो भी अपडेट करना चाहते थे। यह चाहे डिलीट के साथ देखते हैं, अगर हम डाटा डिलीट करेंगे तो कोई मैसेज नहीं आएगा, सबमिट किया डाटा डिलीट कर दिया, डाटा देखिए सनोज का डाटा डिलीट हो गया बट कोई मैसेज नहीं आया, मैसेज हमें आना चाहिए इसके लिए भी। तो उसके लिए भी सेम क्या करना है, आपको जाना है डिलीट वाले यहाँ पे रूट पे, यहाँ पे भी हमने क्या किया है रिस्पॉन्स डॉट रिडायरेक्ट करा रखा है आप देख रहे हो, तो इसकी जगह फिर वही करना है आपको, क्या करना है कि वहाँ से कॉपी करना है आपको ये डॉट पैरामीटर, इसलिए ये कॉपी करा रहा हूँ कि आपको याद है कि एम्प्लॉय डॉट एग्जीक्यूट से क्या होगा, एम्प्लॉय जो हमारा बेस यहाँ पे हमने डिफाइन किया है ऊपर फाइंड फंक्शन, मतलब कि ये जब कॉल होगा तो सारा का सारा डाटा डिस्प्ले होगा यानी कि पास होगी, तो सारा का सारा डाटा डिस्प्ले होगा तो कोई एरर नहीं आएगा। और रिस्पॉन्ड और सेंड में भी क्या हो रहा है, बेस रूट ही आपका कॉल हो रहा है जो गेट मेथड के थ्रू है, ठीक है। अब इसमें क्या इंडेक्स हो गया, यहाँ पे रिकॉर्ड डिलीटेड बस करना है, डिलीटेड सक्सेसफुली सेव किया हमने, गए रिफ्रेश किए। अब मान लीजिए मैं इस डाटा को डिलीट करता हूँ तो ये देखिए आ गया रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली, सक्सेस रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली। तो इस तरह से तीनों चीज़ें आपको मैंने दिखाया, इंसर्ट करा के भी, इंसर्ट करा के आप चाहें तो दोबारा चेक कर लें, मैं दोबारा से एक बार चेक करा देता हूँ, आवरली 12:90 सबमिट, ये देखिए रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली, ये इंसर्ट हुआ। फिर अपडेट करके भी आपको दिखा देता हूँ, आवरली को फिक्स करते हैं, रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, इसी को डिलीट करते हैं, तो
तो रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली। तीनों फंक्शन इस तरह से वर्क करता है और यहाँ पे हम मैसेज अलर्ट बॉक्स में शो करा सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें जो समझ में आ गई होगी। अगर इसमें कोई डाउट है आपको तो प्लीज़ आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं फिर से कहूँगा सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें दोस्तों। तो आज के लिए ये रुकते हैं, नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।